सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन स्टडी विथ मान यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ मान। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मान के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ जो आने वाले आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपकी तैयारी को साफ कर देगा कि आप कितनी पढ़ाई अपनी परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2018 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो वो था दोस्तों टर्टल ओली। ऑप्शन बी राइट है। आपको बता दें दोस्तों कि जो हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन हुआ था, उसमें बेल्जियम ने दोस्तों बेल्जियम ने जो है जीत हासिल की थी। और किसको हराया था दोस्तों? तो वो हराया था नीदरलैंड को। ठीक है दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में हाल ही में विश्व हॉकी कप 2018 का आयोजन किया गया था और उसका शुभंकर क्या था दोस्तों? तो वो था टर्टल ओली। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, और किसने जीता है ये जो कप हुआ है, इसको जीता है बेल्जियम ने और इसका शुभंकर था टर्टल ओली। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवर्ती लोगों में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 जीता है? तो ये जीता है दोस्तों श्री सैनी ने। किसने? श्री सैनी ने। ऑप्शन बी राइट है। आपको बता दें कि भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सैनी को न्यूजर्सी के फोर्ड सिटी में आयोजित समारोह में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का जो दोस्तों अवार्ड दिया गया है। और भारतीय मूल के लोगों की 27 वर्ष वार्षिक वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया की जो साक्षी सिन्हा हैं इनको दूसरा स्थान और अनुषा सारेन को दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो सी हो जाएगा, सी। ठीक है, श्री सैनी इनको मिला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम दें, यानी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं? तो वो गए हैं दोस्तों भूपेश बघेल। ऑप्शन सी राइट है। हाल ही में आपको पता है कि 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपना मुख्यमंत्री किसको बनाया है? तो वो बनाया दोस्तों भूपेश बघेल को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2018 में यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है? तो वो दिए किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों कहा है कि हम यरूशलम को इसराइल की राजधानी मानते हैं। और ये बात किसने बोली है? तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो वो है स्टॉक मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन दोस्तों। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि हम यरूशलम को इसराइल की राजधानी का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, चावल श्रेणी में किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? झारखंड को। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, चावल श्रेणी में जो दोस्तों कृषि कर्मण पुरस्कार है ये झारखंड को मिला है और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास ये हैं वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री। चलिए इसका ऑप्शन सी राइट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में परिचालित हुआ है? तो ये हुआ है रूस में। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, जो विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र परिचालित हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है रूस में और रूस ने ही इसका पहला सफल परीक्षण भी किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विश्व हॉकी कप 2018 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो वो चुना गया दोस्तों विंसेंट वनाश को। किसको? विंसेंट वनाश को। ऑप्शन बी राइट है। जो हाल ही में दोस्तों मैंने आपको बताया कि उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में विश्व हॉकी कप 2018 का आयोजन हुआ था, उसमें कौन जीता है? बेल्जियम। और बेल्जियम किसको हरा के दोस्तों जीता है? तो नीदरलैंड को। ठीक है, नीदरलैंड को हरा के जीता है। तो उस पूरे कप में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो वो चुना गया दोस्तों विंसेंट वनाश को। ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ दोस्तों कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी के लेखक कौन बन गए हैं? ठीक है, तो वो बन गया दोस्तों अमिताव घोष। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। आपको पता है कि हाल ही में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की दोस्तों घोषणा हुई है। तो 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो इंग्लिश के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है दोस्तों? अमिताव घोष को। ऑप्शन ए राइट है। और ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि किसी अंग्रेजी लेखक को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कारों से नवाजा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 18 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों मुझे बता दीजिए कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय प्रवासी दिवस पूछा जाए तो 9 जनवरी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 18 दिसंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और इस बार जो दोस्तों 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी दोस्तों सम्मान के साथ प्रवास। क्या थीम थी? सम्मान के साथ प्रवास। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया गया है उसकी थीम थी सम्मान के साथ प्रवास। ठीक है, और 10 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस। आपको पता ही होगा कि दोस्तों 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है ये मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये सब दिवस भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली मानव रहित फैक्ट्री किस शहर में स्थापित की गई? तो ये की गई है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, भारत की पहली मानव रहित फैक्ट्री दोस्तों कहाँ स्थापित की गई है? तो हैदराबाद में स्थापित की गई है। और आपको बता दें कि अडानी समूह तथा इसराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से भारत में पहली बार मानव रहित विमान निर्माण फैक्ट्री हैदराबाद में दोस्तों कहाँ पे? हैदराबाद में स्थापित की गई है। और इसमें एक भी व्यक्ति जो मनुष्य है वो काम नहीं करेगा, इसीलिए मानव रहित फैक्ट्री का जो स्थापना किस शहर में हुई है पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। चलिए अगला जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था दोस्तों उसका आंसर देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या है। तो किस देश में दिसंबर 2018 में गर्भपात को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया गया है? तो वो कहाँ पे किया गया है दोस्तों? आयरलैंड में। ऑप्शन बी राइट है इसका। ठीक है, ये कल का सवाल था और इसका आंसर है आयरलैंड। चलिए अब आज का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आज का सवाल है, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों PV सिंधु, नोजोमी ओकुहारा, सानिया मिर्जा और मारिया शारापोवा। ठीक है, 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने दोस्तों। जो मेरी रोज़ की करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे वो इसका आंसर डेफिनेटली कर लेके जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए दोस्तों। लाइक कर देने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो जाते जाते लाइक करते जाइए। और मैं आपको रोज़ ऐसे ही मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको करंट अफेयर वीडियो देखनी है तो बेल आइकन पर आप क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको टेलीग्राम पे अगर PDF चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम लिंक को जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है
वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं रोज़ वहाँ पे आपको जो करंट अफेयर की पीडीएफ होती है वो वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच।